नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल जेएसआर स्टडी में। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आज हम टेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? ऑप्शन है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें ऑप्शन है, कठोर अनुशासन हो, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो या समृद्ध व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हो। तो इसका आंसर होगा छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। नेक्स्ट है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, मैनकेन, रूसो, अरस्तु या जॉन लॉक। तो इसका आंसर है मैनकेन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ऑप्शन है, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, जनता को मूर्ख बना सके या भविष्य में नेता बन सके। तो इसका आंसर है व्यक्तित्व का विकास कर सके। आगे देखिए, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो ऑप्शन है, इसके छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है या ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। आगे देखिए, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्व मानते हैं? ऑप्शन है, उच्च विद्यार्थियों के शिक्षकों की। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो इसका आंसर है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऑप्शन है, उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर या प्रशंसा द्वारा। तो इसका आंसर है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। आगे देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? ऑप्शन है, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके या छात्रों का मनोरंजन हो। तो इसका आंसर है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए? ऑप्शन है, प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद। तो इसका आंसर है आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है, 1970, 1976, 1978 या 1971। तो इसका आंसर है 1970 में। अगला प्रश्न है, शिमला नगर निगम के लिए पहली बार चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है, 1989, 1980, 1986 या 1984। तो इसका आंसर है 1986। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरनगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है, वीर सेन, गरुड़ सेन, लक्ष्मण सेन या बाण सेन। तो इसका आंसर है गरुड़ सेन। अगला प्रश्न है, शिमला स्थित कनेडी हाउस किस वर्ष बना? ऑप्शन है, 1887, 1822, 1922 या 1888। तो इसका आंसर है 1822 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग सरदार शोभा सिंह की नहीं है? ऑप्शन है, लैला मजनू, सोहनी महिवाल, कांगड़ा ब्राइड या गदन। तो इसका आंसर है लैला मजनू, ये पेंटिंग जो है शोभा सिंह जी की नहीं है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है, जगदीश सिंह खिहर, दीपक गुप्ता, मेहर चंद महाजन जी या तीर्थ सिंह ठाकुर। तो इसका आंसर है मेहर चंद महाजन। अगला प्रश्न है, हिमाचल की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है, विप्लव ठाकुर, विद्या स्टोक्स, एस चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विद्या स्टोक्स। अगला प्रश्न देखिए, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी या कांगड़ा। तो इसका आंसर है बिलासपुर। अगला प्रश्न है,
हिमाचल का शीत मरुस्थल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन है शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू या सोलन। तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में है? ऑप्शन है कांगड़ा, मंडी, शिमला या कुल्लू। तो इसका आंसर है कांगड़ा जिले में। आगे देखिए, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? ऑप्शन है बिंबिसार, सूरसेन, समुद्रगुप्त या अजात शत्रु। तो इसका आंसर है अजात शत्रु। आगे देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन है डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है औरंगजेब ने, विजापुर के शासक ने, महाराजा जय सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है बलबन, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टाइगर वुड्स, माइकल कैम्पबेल, टॉम वाटसन या ज्योति रंधावा। तो इसका आंसर है टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल या हॉकी। तो इसका आंसर है लॉन टेनिस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है चीन, कोरिया, भारत या जापान। तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1938 में, 1842 में, 1847 में या 1951 में। तो इसका आंसर है 1938 में। आगे देखिए, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते? ऑप्शन है लोक सेवा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है प्राकलन समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन है न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार। तो इसका आंसर है संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।